अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने 2 मीटर कपड़े में अफगानी शलवार की कटिंग कर रही हूँ। ये मैंने कपड़ा की कटिंग रख ली है। ये 5 मैंने 12 इंच का रखा है, चुंडले की 6 इंच की इसमें, और ये मैंने 10 इंच की यहाँ से यहाँ तक की डंडी रखी है क्योंकि इसमें ऊपर को 6 इंच की बेल्ट डलेगी। और ये मैं आपको ये हमारी सलवार की अफगानी की कटिंग हो चुकी है। 32 इंच की हमने इसकी लेंथ रखी है। ये हमारी 25 इंच की बेल्ट बन गई है और हमने इसकी लेंथ रखी है 8 इंच, यानी कि सिलने के बाद ये 6 रह जाएगी। ये इस पर लैस है, इस पर ये लैस लगेगी। बोलो, ये हमारी अम्मी बेल्ट बेल्ट सिल रही है और उसके जोड़ भी जोड़ रही है। देखिए देखिए गाइस, अब हमारी अम्मी इस अफगान शलवार की आसन को जोड़ रही है। ये हमें 14 इंच की पट्टी काटनी है, 5 इंचों की, और एक ये हमारी कॉलर पट्टी वाली पट्टी है, इसे हम 5 इंचों पर कफ बना के लगाएंगे। अब लेंगे हम इसमें पिंक कलर की पाइपिंग, और पाइपिंग के लिए टैटोन को एक पैर की दबाना पड़ेगा क्योंकि पाइपिंग थोड़ी सी हमें मोटी चाहिए। अदरवाइज ये देखिए हमारी पाइपिंग कितनी खूबसूरत निकल कर आ रही है। ये कफ है और इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसमें हम प्लेट डालनी स्टार्ट कर देंगे। और प्लेट डालेंगे हम ये वाली अफगानी की दोनों तरफ वाली, ये ऐसी वाली। तो दिखाई नहीं दे रही है, कपड़ा नीला है, किसी और दिन में प्लेन पर आपको बताऊंगी। ये हमारी चुने और ये हमारा बन रहा है कफ। ये आ गया, हमने इसको बना दिया है, बन गया हमारा कफ। ये हमने बेल रख दी है, अब हम बनाएं इसकी प्लेट्स ऐसे करके। ये हम आ गए हैं पीछे की प्लेट, थोड़ी गहरी होनी चाहिए। ये हमने 4 इंच की प्लेट डाली है पीछे। हम इसमें 28 इंच की इलास्टिक डालते हैं। स्टार्ट करो। ये हम डाल रहे हैं इसमें इलास्टिक क्योंकि हमारी सलवार पूरी कंप्लीट हो गई है। हमने पहले नीचे से तैयार कर दी, अब ऊपर से हमारी यहाँ से हो गई, अब हमारी हो गई है सलवार कम्प्लीट। कर चुके हैं इलास्टिक, अब उसको खींच कर इसको सिलाई चलाएँगे। इस पर रखी है हमने लैस, कितनी ब्यूटीफुल पाँचे लग रहा है। हम इसको अब बिल्कुल एकदम आपको लैस बना रहे हैं, बता रहे हैं। ये पाँचे पर लग गई है लैस, नीचे पाइपिंग ऊपर लैस। ये हमारी 6 इंच की मोरी है। अफगानी शलवार पूरी तैयार हो चुकी है, लास्टिक वगैरह डल के बिल्कुल पूरी रेडी हो गई है। 6 इंच की मोरी है, देखिए कितनी प्यारी सलवार मैं बना चुकी हूँ।